आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और हिमाचल प्रदेश सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के संयुक्त तत्वाधान से हिम सांस्कृतिक दल ने आज आईटीआई कुठाड़, आंगनबाड़ी भलोरी और जगजीत नगर में अपनी प्रस्तुतियां दी। पेश है इसकी एक रिपोर्ट। कॉल सेंटर के तहत दी जाने वाली सेवाएं 104 नंबर डायल करके कोई भी व्यक्ति किसी भी चिकित्सा सेवा संस्थान से चिकित्सा संबंधी जानकारी और सलाह, युवा परामर्श सेवा व अन्य परामर्श सेवा का लाभ उठा सकता है। शिकायत निवारण स्वास्थ्य कर्मचारियों व लाभार्थियों की शंकाओं का निवारण किया जाता है। सूचना शिक्षा व संप्रेक्षण कॉल सेंटर के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों व योजनाओं को सूचना शिक्षा व संप्रेक्षण के द्वारा लोगों तक पहुंचाना है। हमारे बीच में हेल्थ एजुकेटर श्री श्री शुक्ला जी बैठ चुके हैं। कपड़े लड़की
आप धोते हैं तो मैंने भी धो लिए। तू भी सबके चक्कर में अभी तक बैठा, तूने बॉडी का पानी सारा गंदा कर दिया। अभी तक देख सारा बॉडी में जा रहा है अंदर को। तो चाचा मुझे देर हो रही थी कॉलेज को, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यहीं पे धोना शुरू कर दिया। जल्दी के चक्कर में तूने सारा पानी खराब कर दिया, बच्चे बीमार हो जाएंगे अब इससे। ओहो चाचा मैंने तो सोचा नहीं था। तो अब सोच बैठा रखे पानी देने का तो कर दिया। ठीक है चाचा जी, आज के बाद में कभी यहाँ पे कपड़े नहीं धोऊंगी। हाँ तो दो बाल्टी उठा के यहाँ धो जाती साइड में जाके। अब ऐसा ही करूंगी चाचा जी। छोटी खबरदार जी, किसकी लड़की है? पड़ोसी की है यार। तो है सारा पानी उसने गंदा कर दिया, इससे कितनी बीमारी फैलेगी आप देखो भला। बेटा शाम को आके बॉडी साफ करनी है यहाँ पे। हाँ चाचा जी कर दूंगी मैं। हाँ घर से भेजती हूँ, पानी दूषित हो गया ये। हाँ, कितना बीमारी फैलेगी बेटा इससे आप देखो। नहीं नहीं चाचा जी, आज के बाद में नहीं धोऊंगी कपड़े यार बेटा। हाँ जी, एक डस्टबिन वगैरह कुछ तो क्यों पानी का छाट वाला थूक लूंगे जा रहे थूकना। आहो जरदार था पाता। अरे चिकनबरदार जाके तेरा दिमाग खराब हो गया है बेटा। ये क्या बात जरदार था? हाँ था बेटा, बुढ़ा आदमी था बोल का गुरु। अरे नंबरदार चाचा तभी तो बीमारी हो रही है, मरेगा अब। बेटा मरना तो नहीं, अभी तो जीना बेटा मेरे। तो नंबरदार चाचा इसको छाड़, इससे तुम्हारा पता नहीं है कैंसर लग रहा होना, कैंसर होते हैं जल्द से। और क्या ना ना, इस बीमारी से कितने लोग मर रहे पता तुम्हें? एक साल में 8-9 लाख लोग तक लग रहे मर रहे। ना ना और क्या बता, तो मैंने छोड़ दी कैंसर होते इससे। और वैसे कोई ए बुढ़िया कहाँ जा रही थी उसको लेके? अरे चाचा जी दिख नहीं रहा आपको, हॉस्पिटल ले जा रही हूँ अपनी बहू को। बहू? हाँ मेरी बहू के ना बच्चा होने को है। बच्चा होने को है? हाँ जी। और तुम फिर पैदल ले जा रही इसको? तो पैदल तो गाड़ी कहाँ से लाऊं मैं? देख गवर्नमेंट ने देखे 108 नंबर दिया हुआ स्वास्थ्य विभाग, वहाँ डायल कर एम्बुलेंस भी आ जाएगी यहीं पे। अच्छा जी। हाँ ओहो चलो डायल करते हैं। अब कर बोलती हूँ मैं, सड़क नजदीक है घर के थोड़ा सा दूर है। थोड़ा सा? हाँ। तो सड़क तक ले जा फिर, अपना एड्रेस लिखा दे उनको 108 नंबर पे ना। इस कार्यक्रम के दौरान बीएमओ चंडी के कार्यालय से आए ब्लॉक हेल्थ एजुकेटर सतीश शुक्ला ने भी लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब आज की डेट में देखो हम कहां पहुंच गए। बच्चों के टीकाकरण की बात कर रहे हैं, अब बच्चों को लगभग 10 प्रतिरक्षण टीके लगते हैं और उनमें एक टीका 7,000 रुपए का, एक टीका 5,000 रुपए का। तो जिस दिन आप टीकाकरण के लिए जाते हैं तो एक बच्चे को कम से कम आप 10,000 की डोज करा के आते हो, पैसा थोड़ी लगता। लेकिन फिर भी आशा आंगनवाड़ी सब आपके पीछे दौड़े हैं, जनाब टीका लगा लो टाइम से। पल्स पोलियो के दिन मेरे को लोग कहाँ मिलते हैं? शादी में, फंक्शन में। अगर पोलियो की दवाई नहीं पिलाई तो 2 साल के बच्चे को कोई पता नहीं है मुझे पोलियो से मेरा शरीर लंगड़ा हो सकता है। Thank you.